हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली हमारे गैंग में 7 लाख से ज्यादा हमारे भाई आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस निक्कू व्लॉग की गैंग में आने के लिए। और गाइस आज जाना था मेरे को गोस्ट हंटिंग विद ड्यूक करने, जो कि मैं कल जाऊंगा। एक दिन पहले ना प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब जंगल में जाके देखना पड़ता है कोई चीज है तो नहीं रास्ते में। तो आज प्रिपरेशन करेंगे और कल जाएंगे भाई गोस्ट हंटिंग विद ड्यूक करने। और भाई आज फाइनली फैनी का पपी 25 दिन का हो गया है, सिर्फ 15 दिन रह गया। फैनी का पपी भी आ जाएगा हमारे घर पे। गाइस फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना। कोई मिलने आया? हेलो, वो जो निकल गया। भाई ये देखो भाई हमारी गैंग वाले हमसे मिलने आए हैं। देखो भाई कितनी प्यार से चॉकलेट लेके आए हैं। ये क्या चीज है? ओ भाई ये ड्यूक को तो पूरा व्हाइट कर दिया। व्हाइट लग रहा है ना पूरा, ब्राउन था पूरा व्हाइट हो गया, मेरे को लाल कर दिया। ये जो फोटोज मिल रही है ना मेरे को, सारी मैं कलेक्ट करके सारी लगा दूंगा फ्रेम में। अच्छा ये लो चॉकलेट आपके लिए, पकड़ो 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 पकड़ो, मेरी तरफ से चॉकलेट। ठीक है तो गाइस फिलहाल मेरा खाना आ चुका है। आज खाने में आलू गोभी परांठे और दही। तो गाइस फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना। खाना खाकर चलते सीधा भाई जंगल में ड्यूक के लिए रास्ता क्लियर करने। तो चलो गाइस चलते हैं। Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time 'cause they all in they feelings. I said, क्या मशीन है ये, मतलब जब भी सो से ऊपर चढ़ जाती है। गाइस बच गया भाई, मैं अभी पूरे ठोकी दी थी एकदम चला दी भाई। ओ भाई एक और नमूना सामने आया, वरुण कुछ नहीं बजाया, एकदम निकाल के ले गया। सो गाइस चाचा के घर पे तो आ चुके हैं और अभी चाचा को बताते हैं कि भाई जंगल की तैयारी करनी है गोस्ट हंटिंग विद ड्यूक के लिए। चाचा कहाँ है? बलजी जंगल के पास गया। गाइस फिलहाल तो चाचा घर पे नहीं है। ये देखो भाई ताला भी लगा हुआ है, वो भी ड्यूक से मिलते हैं। ड्यूक, अरे ड्यूक तो दिख ही नहीं रहा। ड्यूक कहाँ है? ड्रैगू चिनू लेके गया, मतलब चिनू अकेला ले गया। कितना बड़ा है वो लड़का? चिनू जितना ही है। अरे यार वो अकेला ले गया, ड्यूक ना खाम किसी को पार ले गया, उनको छुड़ा के भाग जाएगा। अबे यार मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको, अब सीधा गया। ये देखो भाई कमाल हो गया, बहुत बार मना किया भाई ड्यूक को, अकेला लेके मत जाइयो कहीं भी, किसी को पार लेगा। सो गाइस भाग के जाना पड़ेगा भाई चिनू को ढूंढने। अरे जल्दी आ तू भी, ओ भाई बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, किसी को पार लिया ना ड्यूक ने, यार कहीं भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे भी नहीं है। ये देखो भाई सोनू जा रहा है, सोनू वहाँ पे तो नहीं है भाई। ओए ये क्या रखा है? ओए भाई यार तुम अकेले क्यों, यार तुमसे मना किया है अकेले क्यों लेके गया चिनू? अबे यार यार किसी को यार खा जाता फिर क्या करता तू? घोड़ी बिल्कुल सामने थी इनके, यार किसने बोला था ले जाने के लिए, मतलब घोड़ी यहाँ पे खड़ी है और ये दोनों यहाँ पे लेटे हैं। और ड्यूक ना घोड़ी के पैर में बुड़का भरने लग रहा है। यार ये बच्चों की चीज नहीं है ड्यूक, तेरे को पता है ना, एक किलर ड्यूक है यार, ये फाइटर है, अभी सीन हो जाता भाई। सो गाइस उधर भी भाई आंटियां खड़ी थी, कोई भी पास नहीं आ रहा था ये सीन देख के, और सब बोले जा रहे थे भाई बचाओ बचाओ, और कोई भी बचाने नहीं आया तुम्हें? ड्यूक को देख के नहीं आया, ड्यूक को देख के कोई पास में नहीं आया। गाइस एक बात माननी पड़ेगी, मतलब पूरे ना रोने लग गए थे, लेटे हुए थे पर इन्होंने छोड़ा नहीं। अच्छा कितनी देर से लेटे हो तुम? मेरे को ना लिटरली अंदर से फीलिंग आ रही थी कि आज तो कुछ ना कुछ होएगा, इसको ना आराम से घर पे लेके चलो, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, बस छोड़ियो मत, चलो चल दियो। ओए ये ओए 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 ओ उसको पकड़, ओ ले गया उसको पकड़ ना ओए भाई, ओए रुक जा तुमसे ना हो पाएगा, रुक जाओ। गाइस ये देखो जैसे अभी नॉन स्टॉप खींचे जा रहे थे ना ड्यूक, वैसे ही खींच के लेगा दोनों को ड्यूक ना, मतलब अब बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर भी खींच लेता है ये ना, बच्चों को कुछ नहीं मानता ये, चाइना में को पूरा भी खींच लेगा, चोट वोट तो नहीं लगी भाई बता दियो। ओ भाई गाइस ये ना भाई बाइक के बांधना पड़ेगा। सो गाइस अभी घर की साइड जा रहे हैं और ये देखो भाई ड्यूक, ये देखो भाई कुछ जरूरत ही नहीं है भाई, देखो बाइक अपने आप ही खींच के ले जा रहे हैं। चलो ड्यूक चलो चलो चलो, ये ओ भाई चैलेंजर ये लग गया यार, ओ भाई अभी गिरा देता ये। सो गाइस फाइनली घर की साइड आ गया और भाई मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था यार। सो गाइस फाइनली घर की साइड तो आ गया और भाई चिनू तेरी बहुत गलत बात है, तू ड्यूक को अकेला ले गया, क्या बोला तेरे से? घुमा के लाते हैं, पट्टा बांध रखा था यहाँ पे, निशान हो गया भाई उसके पट्टे से ही, पूरा खींच रहा था ना। आगे चाचा, चाचा आपका वेट कर रहा था, कितनी देर में पता क्या किया, इसको अकेला छोड़ के थे घर पे, ये पीछे ड्यूक को ले गया, मैं ना भाग के गया तो वहाँ जाके देखा ना दोनों लेटे पड़े, ड्यूक घोड़ी के पीछे था, मतलब घोड़ी की टांग इतनी सी दूर थी। शर्म नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है गाइस बाद में इसको भी 10 फीट घिसराया था। तैयारी करने 2-3 दिन ना भाई लगातार बारिश हुई थी, कभी हम रात को चले जाए पानी वानी भरा हो और कोई रास्ता वास्ता ना मिले, तो इसलिए पहले जंगल में जा रहे हैं देखने सब कुछ। चले चलो। सो गाइस ये देखो कितने सारे सुअर यहाँ पे, अगर ड्यूक को लाते ना सबके पीछे पड़ जाता। तो गाइस ये ना भाई बुड़के ही भर लेते हैं, तो इनसे बच के चलना पड़ेगा। इस जगह पे घिसड़ाया था चीनू और इसको ले जाइए आज के बाद, ध्यान रख लियो। ओ भाई गंदगी। तो गाइस जंगल की एंट्री आ गई है, चाचा तो उतार के ले गए। सो गाइस यहाँ पे ना भाई अंदर आते ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई।
वो ये तो पानी भरा हुआ है, यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है और साइड में थोड़ा सा रास्ता है, काटे हैं ज्यादा भाई है। या तो भाई यहाँ पे ना ड्यूको गोदी में लेके जाना पड़ेगा, दिखने में नॉर्मल लग रहा है ये, यहाँ पे ना रात को दिक्कत हो जाएगी। ड्यूको अगर कुछ भी दिख गया ना, कोई भी एक्टिविटी दिख गई ना भाई, ड्यूको तुम्हें पता है कितना खतरनाक है, पानी वानी में घिसड़ा देगा, रात में दिक्कत हो जाएगी। एक ये रास्ता भी है भाई, यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो भाई ऐसे कांटे लगते हैं, पता भी नहीं चलेंगे कब ड्यूक के पैर में लग गए। तेरे भी लग गए यहाँ पे भी है। रुक जाओ। ओ भाई, सो गाइस फाइनली एक रास्ता मिला है, यहाँ से पार हो जाएंगे आसानी से। सही रास्ता है ना, दिखा ना, यहाँ पे रात में डर लगेगा आने में, बहुत पतला रास्ता है। तो गाइस यहीं से बाइक लेके आते हैं। तो गाइस फाइनली कुआं आ गया। क्या कर रहे हो चाचा? ओ भाई यार अभी भी नहीं गया था चाचा। नहीं फिर नहीं हो गया भाई। सो गाइस चाचा ने कुएं के अंदर था भाई, पत्थर फेंक दिया है। ओ भाई उल्लू निकला है व्हाइट कलर का। कहते हैं कि भाई जहाँ पे उल्लू बैठे होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। रात को बलजीत अंकल ने बताया था, चढ़ूंगा इसके ऊपर। तो भाई चाचा देखो क्या कह रहे हैं, मतलब जो वो नहीं होता फंसाने वाला रस्सा, ऊपर फेंकेंगे, अंदर फंसा देंगे रस्से को और इसके ऊपर चढ़ जाएंगे चाचा। और मैं भी चढ़ूंगा। गाइस कमेंट करके बताने की कुएं के ऊपर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, पता भी चल जाएगा दिन में है क्या इसके अंदर। और गाइस अभी फिलहाल हम कुएं के पास खड़े हैं और भाई सामने एंड में वहाँ पे कभी भी नहीं गए, वो बलजीत अंकल सामने देख के बता रहे थे सामने उनको कुछ दिख रहा है, तो अभी ना वही देख के आ रहे हैं और ड्यूक को भी वहाँ लेके जाएंगे। बच्चे ये रह जाओ। तो भाई इस एरिया में ना कभी भी नहीं आया है। और ये देखो भाई यहाँ पे ना और ज्यादा सन्नाटा होता चला गया, कानों में ना प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई कान दबा रहा है, मतलब तो ज्यादा सन्नाटा है यहाँ पे, सुन हो रहे पूरे प्रेशर हो रहा है ना। हाँ। भाई साहब यहाँ पे तो दिन में आने में भी डर लग रहा है भाई। सब ना भाई इन पेड़ों के बीच में कभी भी नहीं आया है, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। ओ भाई क्या हुआ, दिन में डर नहीं लगा मुझे कभी भी, यहाँ पे आके दिन में डर लग रहा है। अंदर आ गए ना सुनसान में, कुछ मिल गया भागने लग जाए तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। चाचा वो क्या है गुफा सी? ये देखो भाई हमें ना उल्लू मंडराने लग रहे हैं। गाइस गुफा देख के आते एक बार। वो चिनूर भाग गए, चिल्ला रहे थे अभी चिनूर। एक मिनट क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, झूठ बोल रहे हो। हमें खुद सुनाई दिया। रोने की आवाज आ रही है, क्या हुआ? कोई ना बेटा कोई ना, मैं सोचा ही झूठ बोल रहे। हमें ना तो आपके साथ, हमें ना टेंशन मत ले। अरे कुछ नहीं, हमें ना एकदम से आवाज आई थी फिर वहाँ पर चले गए थे हम। कैसी आवाज आई? रो रहा था जैसे कोई एक बार आई थी। क्या बोल रहा तू? अंकल बैठ यार। या गाइस देखो इसके हाथ कांपने लग रहे थे। चुप चुप। किस टाइप की रोने की आई थी बता? कोई लड़की नहीं रोती, बच्चा सा रोता है। वैसे वैसे आई थी गाइस। हमने भाई अंदर की साइड चले गए थे बच्चों को छोड़ के, इनकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल गुफा के पास जाने वाले थे। सिर्फ 10-15 मीटर रह गया था, बोले सुरंग के पास पहुंच नहीं पाए, इनकी आवाज आ गई। क्या पता वो चीज चाहती ना हो कि भाई हम सुरंग के पास पहुंचे। गाइस ये देखो खड़ा खड़ा साइकिल का पंचर हो गया, देखो भाई पूरी पंचर होगी, सिर में दर्द हो गया। गाइस घर पे चलते हैं। तो ये भाई बोला कि भाई मैं भूत से नहीं डरता, मैं भूत के चप्पल मार दूंगा, सीधा इसने ये बोला था। सबसे पहले ना यही भाई रोया। गाइस ये ना हमारी गैंग वाला भाई है और पहली बार मेरे से मिला है। ये भाई भी साथ में आ गया हमारे और ये भाई ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करता भूतों पे, तो मेरे से बार बार पूछ रहा था कि भाई आपको सच में दिखा दिया कुछ। आज भाई ने खुद एक्सपीरियंस किया है, भूतों पे यकीन है, हो गया ना थोड़ा सा यकीन हो गया ना। सो गाइस फिलहाल कुएं के पास से तो आ गया है। 24 आवर चैलेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइस ये भाई बोल रहा है कि भाई यहाँ पे 24 घंटे के लिए रह सकते हो या नहीं रह सकते। 24 घंटे की दिक्कत नहीं है, सिर्फ रात की दिक्कत है। रात में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, भेड़िए भेड़िए लुटेरे भूत कुछ भी। चैलेंज एक्सेप्ट कर, तेरे को चलना है। मेरे को चलना है बिल्कुल। तो भाई ये देख लो भाई ये तो ज्यादा ही हो गया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रात भर रुकेंगे भी, यहाँ पे ना मीठा हलवा बनाएंगे ताकि भूत आ जाए हमारे पास, यही पकाएंगे तेरी कढ़ाई लेके, देखेंगे क्या आएगा हमारे पास रात में। सो गाइस तुम कमेंट करके बताने की भाई ये चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ आज। भाई मैंने हालत देख ली बच्चों की। तो गाइस फिलहाल तो मैं घर पे आ गया हूँ। जंगल में पापा ना बच्चे डर गए थे पूरे, बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। यार ये तो कितनी एक्टिंग करती है, कहीं भी नहीं है और कह रहे मैंने तो सोचा पापा रो रहे थे। चल चिनू घर पे चल पढ़ाई करने तेरे को। ओ भाई सारे हंस रहा है यार ये तो। ये देखो भाई पापा ना मेरा बहुत पुराना व्लॉग देख रहे हैं भाई, रियाना भाई जो के बाल बारी है। पापा जी आज ना मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। अच्छा वाला भाई बढ़िया मेहनत कर, मौज कर दी। 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अच्छी बात है। ये 1 मिलियन पे क्या करोगे? 1 मिलियन पे क्या करेंगे गाइस? 1 मिलियन पे ना भाई पूरा वाटर पार्क बुक कर देंगे और गाइस हमारी गैंग वाले सभी भाइयों को वाटर पार्क लेके चलेंगे। सारे इकट्ठे हो जाना, सभी मिलकर ना भाई वाटर पार्क में धावा बोल देंगे और सारी राइड करेंगे। आप भी चलोगे? सभी चलेंगे ना रिया। मैं भी भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वाटर पार्क बुक करने के लिए। गाइस खाना भी मेरा आ चुका है, क्या हो गया इसके? ओ भाई खाने में आलू गोभी की सब्जी, रोटी और दही, साथ में समोसा भी है। ये समोसा कौन देता है रात को? तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना और खाना खा के बात करते हैं आपसे।
So guys, मैंने खा लिया है खाना और guys, अभी मैं आ गया हूँ रूम में और भाई फाइनली कल हम जाएंगे भाई गोस्ट हंटिंग विद ड्यूक करने। और guys, आज मैं गोस्ट हंटिंग की प्रिपरेशन करके आया हूँ। पानी वानी तो नहीं भरा या फिर कोई काटे वाटे तो नहीं रास्ते में। भाई जहाँ पे हम पहले कभी गए भी नहीं ना, जहाँ पे हम बेहोश हो गई थी जाके, उससे भी आगे चले गए थे एंड तक। एक सुरंग दिखाई दे रही थी सामने जाके, सुरंग की साइड जाने ही लग रहे थे तभी भाई बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। भाई चीनू चिल्ला रहा भैया भैया, मेरे को लगा कोई भेड़िया वेड़िया या जानवर आ गया ना। भाई भाग के गए, उनको ना भाई कोई आवाज आई कुएं के पीछे से, जैसे कोई बच्ची रो रही है। उन बच्चों में से ना भाई दो बच्चे ऐसे थे, उनसे मिलने आए थे, हमारे गैंग वाले थे, तो हमारे साथ ऐसे चले गए थे भाई जंगल में। जाते वक्त ना भाई वो ब्लू टी शर्ट वाला भाई ये भी बोल रहा था भाई मैं ना भूत को चप्पल मारूंगा अगर भूत दिखाई देगा। पूरा चैलेंज करके गया था और मेरे से बार बार पूछा था कि भैया सच में है क्या भूत वहाँ पे। तो भाई जैसे ही आवाज आई ना उन बच्चों को, सबसे पहले वो ही रोया था, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसकी साइकिल का पंचर भी हो गया था। और भाई हमारे गैंग वाले भाई ये भी कह रहे थे भाई जंगल में पूरी रात रहने का चैलेंज करो, फुल नाइट इन जंगल, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमने बोला ना तो भाई हम कर लेंगे। भाई सोनू भी कह रहा था भाई जंगल में ना हलवा बना के खाएंगे। बाकी गाइस फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग और गाइस एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these.